जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपराध और अपराधियों पर बराबर नकेल कस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधी लगातार अपराधों को अंजाम देकर कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण लखीमपुर खीरी के गोला थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय बच्चे के अप्राकृतिक यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद कहा जा सकता है। आपको बताते चले कि मामला गोला थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां पीड़ित 13 वर्षीय बालक के साथ शराब के नशे में युवक ने अनैतिक कार्य को अंजाम दे डाला। यौन शोषण बच्चे ने घर पहुंचकर आपबीती बताई, जिससे परिवार के लोगों ने मामले की तहरीर गोला कोतवाली में दी, जिस पर पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। अब सवाल ये उठता है कि अपराधियों के हौसले इसी तरह बुलंद होते रहेंगे या फिर कानून का राज स्थापित हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या घटना आपके साथ हुई? मेरा नाम आदर्श मिश्रा। क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरा मामला है, हम मेडिकल पे दवा लेने जा रहे थे, फिर उसके बाद फिर घर जा रहे थे, गुप्ता की चक्की से हमको खींच ले गए और फिर जंगल में ले गए। जंगल में गलत काम करवाया, पिलाया भी, फिर कहा उसमें में से वो निकलता, वो कहता है वो करो, फिर वो करो, मुंह में डलवाया, फिर कहा, फिर थूक देते थे, फिर मारता था, कहता था नील जाओ, नीलना पड़ा। अब फिर हमको मारा पीटा, धसक दिया। क्या नाम था उसका? सोनू। ये कहाँ का रहने वाला? जे मेरे पड़ोस के उंगे रहता है। मोहल्ले का नाम बताओ। मोहल्ले का पनगुरुग्रंथ। क्या मामला है, क्या घटना हुई आपके बच्चे के साथ? हमारे बच्चे के साथ में जो भी घटना हुई, बच्चा खुद स्वयं बता रहा है, और इसके लिए जो है हमने थाने में जो है रिपोर्ट भी लिखाई, और रिपोर्ट लिखवा के उसको जो है बच्चा खुद बताया, और बच्चे ने ही रिपोर्ट में सब कुछ लिखवाया। हमने अपने नाम से खाली मतलब तहरीर दी, उस तहरीर के हिसाब से मुकदमा कायम हो गया। अब आगे आप क्या चाहते हैं? अब हम आगे ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। क्या वो पहले से दबंग नहीं करता था या कोई पहले साथ कभी था? नहीं, पहले से कोई दबंगई नहीं, ना हमसे कभी लड़ाई झगड़ा हुआ, ना हमसे कोई बात हुई, ना हमारी उसकी कोई जातीय दुश्मनी है।